हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ये कि मेरे पास छोटा सा लकड़ी का ये देखो एक पीस पड़ा हुआ है। आपके पास अगर ये नहीं है, पड़े रहते हैं घर में, अगर नहीं पड़ा है तो आप कार्डबोर्ड लीजिए, डबल ट्रिपल उसको चिपका लीजिए, फिर इस तरह से इस पे जूट लगाइए और इसके ऊपर मैं एक बहुत सुंदर सा कलर करूंगी, गोल्डन पेंट, और फिर मैं इसको वॉल हैंगिंग बनाऊंगी, खूबसूरत से इसको मैं डेकोरेट करूंगी। ये देखो, मैंने पहले इसके ऊपर व्हाइट पेंट किया था पर ये भी थोड़ा भद्दा सा हो गया, तो मैं फिर इसके ऊपर अब गोल्डन पेंट करने जा रही हूँ। उसे अपने आप में ये बहुत खूबसूरत लगेगा, तो फिर मैं आपको डेकोरेट करके दिखाऊंगी कि इस पे इसको कैसे कैसे डेकोरेट कर सकते हैं हम। खाली आप लकड़ी का टुकड़ा लेंगे ना, लकड़ी के टुकड़े के ऊपर पेंट कम जमता है, तो आप उसके ऊपर टिश्यू पेपर लगा लीजिए और उसके ऊपर फिर पेंट कर लें, या कार्डबोर्ड पर भी कलर बहुत मुश्किल से जमता है तो आप उसके ऊपर भी पहले पेपर लगा लीजिए, टिश्यू पेपर। गोल्डन पेंट सूखता बहुत जल्दी है, ये 20 मिनट में सूख जाएगा। मैं इसको धूप में रख के आ जाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने DIY की थी, अभी वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे डेकोरेट किया वो बताऊंगी। और आज एक मैंने नया कुर्ती सेट पहना है, जो इसका बहुत ही अच्छा सॉफ्ट कपड़ा है, गर्मी के हिसाब से बिल्कुल एकदम स्मूथ, हल्का और लाइट वेट, बिल्कुल ये लिनन वाला कपड़ा है। तो इसके ऊपर देखिए, वो इसमें एक ट्राउजर भी है इसके साथ, ये बहुत अच्छा सा इसका एक ट्राउजर है और ये कुर्ती है, और ये 3 स्लीव्स इस तरह की इसमें स्लीव है, और ये बहुत ठंडा रहता है। आप इसको कहीं भी पहन सकते हैं, कैसे भी आप जॉब करते हैं, पार्टी में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आप इसको पहने, ये बहुत अच्छा है गर्मी के हिसाब से, कूल कूल आप इसको कैसे भी कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह की ये इसके साथ आप, और इसमें ये इस तरह से पार्टी वगैरह में चाहे तो इस तरह की गर्मी में कूल कूल मोतियों की पर्ल वाली माला पहने, नहीं तो आप गोल्डन पहने, वरना तो कुछ भी मत पहनो। ये वैसे भी अपने आप में बहुत अच्छा लुक दे रहा है। ये देखे, ये इसमें गोटा पत्ती है गोल्डन कलर की, और इस तरह की ये आस्तीन है, और इस तरह का ये इसके साथ एक ट्राउजर है, पैंट ट्राउजर काफी अच्छा है, ढीला नहीं है, बहुत अच्छा है, स्मूथ स्मूथ, हल्का हल्का। इस तरह से आप ये देखो, इस तरह का इसमें भी गोल्डन पत्ती लगी है, गोल्डन पट्टी लगी हुई है, जो काफी सॉफ्ट है, बिल्कुल नहीं चुभेगी, ये बहुत अच्छा है पहनने में। ऐसे मेरे पास बहुत अच्छे सेट है, कुर्ती और ये पैंट और ये साड़ियाँ, तो मैं आपको एक एक करके कभी कभी रोज पहन पहन के दिखाऊंगी, तो आप बताना आपको ये मेरा कैसा लगा। तो आप इसके साथ हील वाली सैंडल पहन सकते हैं, या हील वाली वैली पहन सकते हैं, सिंपल जाली वाली, गर्मी में आती है ना अच्छी अच्छी वैली आती है, आप उसके साथ कैरी कर सकते हैं। और चाहे तो आप दुपट्टा ले सकते हैं कंट्रास्ट कलर का, गोल्डन कलर का, चाहे तो आप ऐसे ही पहन सकते हैं। तो आप बताना आपको ये मेरा कुर्ती सेट आपको मेरा कैसा लगा। तो चलिए मैं अब आपको दिखाऊंगी, जो मैंने सुबह एक लकड़ी का थोड़ा सा मेरे पास पीस पड़ा था, उसको मैंने गोल्डन कलर से किया और उसको मैं डेकोरेट किया। तो ये इस तरह से मैंने देखो इसको मैंने यहाँ पर लगाया, ये देखो, और इसको मैं डेकोरेट करके आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है, तो आप बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर मैं डेकोर करती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ।
और ये थोड़ा सा मैंने इस तरह से डाइनिंग टेबल को डेकोर किया। ये मैंने छोटे छोटे, ये देखो कितने सुंदर पॉट लिए हैं, ये काफी रिजनेबल रेट पे मिल गए मुझे, चीनी मिट्टी के हैं, तो आप इनमें कुछ भी रख सकते हैं, अचार, चटनी, नमक, गर्मी आ गई है तो जीरा पुदीना टेबल पर रखिए, जीरा भूनकर पुदीना दही और छाछ में डालने के लिए। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको डेकोरेट किया टेबल को, तो आप बताना आपको मेरी टेबल कैसी लगी। और ये जार मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत सुंदर है और बहुत रिजनेबल रेट में मुझे मिल गए थे, तो मैं ये ले आई थी। तो ये देखो इस तरह से ये मेरी कुर्ती है और इस तरह का ये मेरा ट्राउजर है, पैंट ट्राउजर, जो ये बहुत बहुत अच्छा है, लिनन का कपड़ा है। अगर आप लेना चाहे तो इसका मैं लिंक दे दूंगी, ये मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझे खरीद के दिया ऑनलाइन, तो आप भी प्लीज ऐसे ऐसे सेट ले लीजिए, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैं फिर आपको दिखाऊंगी, तो फिर मैं आपको आपके साथ अपना एक विचार बताऊंगी जो अधूरा सा रह जाता है। विचार यही है कि अगर आपको कोई अवसर नहीं मिलता अपने आप, तो ऐसा ऐसा तो है नहीं कि अवसर अपने आप अपने पास आ जाता है, मौका कि आओ हमें ये करो, इसलिए आप अपना संभावना का द्वार अपने आप खुद खोलिए उस दरवाजे को। तो ये आज का मेरा एक बहुत अच्छा सा सुविचार था। बस इस तरह से मैंने आपको अपना ये छोटा सा एक डीआईवाई किया हुआ दिखाया, इस तरह का ये वाला थोड़ी सी डेकोरेशन उसको डाइनिंग टेबल को किया, और एक छोटा सा छोटी सी प्रेरणा, आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपका हमेशा कद ऊंचा करे, ये आज की मेरी प्रेरणा था। तो प्लीज आप मुझे बताएं कि आपको मेरे विचार, प्रेरणा, डीआईवाई या मेरी इस तरह की कुर्ती तो कैसी लगी, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं और एक अगली वीडियो के साथ, जल्दी मिलूंगी, तब तक नमस्कार। चलिए फिर मैं अभी अपना दूसरा डीआई की तैयारी करती हूँ। हाँ, कल अष्टमी है, आज सप्तमी है, तो आपने सबने माता रानी का जागरण कर रखा होगा, कीर्तन करते होंगे, तो आज मैं कीर्तन में जाने वाली हूँ दोपहर में, तो बहुत अच्छा लगेगा। और कल मैं इसका कन्याओं को खिलाऊंगी, व्रत है मेरा, और उनको खाना खिलाऊंगी, और कल इसको मैं अच्छा सा हवन करूंगी। अकेली हूँ, हो सका तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, नहीं तो थोड़ा सा कुछ फोटो या वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए